नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जयराज और स्वागत है आप सभी का क्यूर हेल्थ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको तीन ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे जो कि आपको 15,000 से कम की रेंज में आपको मिलने वाले हैं, और फ्रेंड्स जिनका प्रोसेसर, जिनकी बैटरी बैकअप और जिनका कैमरा बहुत ही कमाल का होने वाला है, और जिनको जिससे आप बहुत ही भारी गेम आसानी से खेल सकते हैं। तो ऐसे हमने 15,000 से कम की रेंज में तीन बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताया है इस वीडियो में। तो हमारी वीडियो को बिना स्किप किए तक देखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स बिना देर किए देख लेते हैं। तो इस लिस्ट में हम रखने वाले हैं Realme 2 Pro को नंबर 3 पर। फ्रेंड्स इसमें आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का जो रियल कैमरा है, इसमें आपको मिलने वाला है, और आपको इसके साथ ही आपको 16 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है वो भी मिल रहा है, और आपको सिक्योरिटी ऑप्शन में मिल रहा है आपको फेसिंग अनलॉक प्लस आपको फिंगरप्रिंट जो कि बहुत ही स्मूथली इसमें काम करने वाले हैं फ्रेंड्स। और इसमें आपको 660 स्नैपड्रैगन AIE के साथ आपको इसमें मिल रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। फ्रेंड्स इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी मिल रही है, और आपको इसमें वेरिएंट मिल रहा है 4GB रैम के साथ 64GB रोम का, और जिसे आप बढ़ा सकते हैं 256GB तक। फ्रेंड्स इसमें आप पबजी जैसा गेम आसानी से खेल सकते हैं, जो प्रोसेसर है इसमें आप पबजी गेम को बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं, और इसमें हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है। और फ्रेंड्स इसमें आप 3500 mAh की बैटरी मिलेगी आपको जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, और आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है इसका, वाटर ड्रॉप इसमें नॉच मिलने वाली है फ्रेंड्स जो कि इसका लुक को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव करती है। और फ्रेंड्स आपको 6.3 इंच की इसकी जो डिस्प्ले है वो मिल रही है फुल HD प्लस के साथ। और फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन में आपको 15,000 से कम की रेंज में एक बहुत ही अच्छा फोन हो सकता है, तो फ्रेंड्स इसे आप ले सकते हैं अगर आप 15,000 से कम की रेंज में अगर कोई फोन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में नंबर 2 पर मिल रहा है आपको Honor का 8X, जिसमें आपको 710 केरन का अपडेट मिल रहा है, और फ्रेंड्स इसमें GPU टर्बो टेक्नोलॉजी इसमें आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके गेम खेलने के अनुभव को बहुत ही लाजवाब बनाने वाली है। स्मूथली आपको यहाँ पर आप पबजी गेम अगर खेलते हैं तो आपको बिना हैंग हुए आराम से इसमें खेल सकते हैं स्मूथली। 12 कैमरा मिल रहा है जिसमें कि आपको 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो मिल रहा है, और फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो 3750 की एमएच की जो बैटरी है वो मिल रही है आपको, लगभग पूरे दिन आप आराम से इसको चला सकते हैं, बैटरी की कोई प्रॉब्लम आने वाली इसमें आपको नहीं है। अब बात कर लेते इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मीडियम नॉच आपको मिलेगी, और जो कि आपको वीडियो जब भी आप देखोगे तो आपको हाइड हो जाएगी आराम से। तो इसका जो, और आपको इसमें वीडियो स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो भी इसमें आपको मिल रहा है। और फ्रेंड्स ये आपको 14,999 रुपए में आपको मिल रहा है, तो ये एक 15,000 से कम की रेंज में आपको बहुत ही अच्छा फोन हो सकता है। फ्रेंड्स इस लिस्ट में नंबर 1 पर हमने रखा है Asus का Zenfone Max M2। जी हां फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मिल रही है 5000 mAh की बैटरी, जिससे कि आप 2 दिन तक इसका जो बैटरी बैकअप है वो चलेगा, आप दबा के गेम खेलिए, नेट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो बात है इसमें Corning Gorilla Glass 6 मिल रहा है इसमें आपको, जो कि इतनी कम प्राइस में आपको कोई भी नहीं देने वाला है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 660 AIE प्रोसेसर। फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स की, तो इसमें 5 मैग्नेट स्पीकर आपको मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स इसमें आपको कैमरा मिल रहा है, फ्रंट जो कैमरा है वो मिल रहा है फ्लैश के साथ, और आपको 13 मेगापिक्सल का। अब बात कर लेते हैं इसके रियर कैमरे की, तो 12 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा मिल रहा है, तो इन सब के साथ ये इसकी शान को और बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस कारण ये हमने रखा है इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर। और इसमें आपको डिस्प्ले की बात करें तो इसमें मीडियम नॉच मिल रही है, फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिल रही है, और फ्रेंड्स इसमें सिक्योरिटी ऑप्शन दोनों है, फेस अनलॉकिंग और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों मिल रहे हैं इसमें आपको। तो फ्रेंड्स ये 15,000 की रेंज में आपको बहुत ही गजब का, कमाल का जो
फीचर दे रहा है इसमें आपको, जो वेरिएंट है आपको और भी मिल रहे हैं, 6 और 64 के साथ मिल रहा है और 4 और 64 के मिल रहा है, लेकिन 15,000 की प्राइस में आपको फ्रेंड्स 4 64 में ही आपको ये मिल पाएगा। अगर आपको 6 64 में जाना है तो थोड़ा सा आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये तीनों ही फोन बड़े शानदार है। आपको कौन सा फोन इनमें से पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।